आईएस वीडियो आपको पेश कर रहा है दैनिक करंट अफेयर्स का विश्लेषण। अफगानिस्तान चुनाव। अफगानों के लिए इस चुनाव का महत्व क्या है? अफगान चुनाव के नतीजे भारत के लिए सबसे ज्यादा क्यों मायने रखते हैं? आगे का रास्ता क्या है? जीएस पेपर 2, भारत और इसके पड़ोस संबंध। इस वीडियो में आप सभी उपरोक्त प्रश्नों के लिए विस्तृत उत्तर पा सकते हैं। उपरोक्त लेख से प्राप्त किया गया है। जो हम प्रदान कर रहे हैं वह पूर्ण वीडियो में से केवल 10% नमूना है। हमारी वेबसाइट www.hindi.isvideos.com पर जाएं और सभी वीडियो देखने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल हों। ये किस संदर्भ में है? अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अहिंसा से अक्सर लोकतंत्र के मार्ग को चुनौती दी गई है। ये तीसरी बार अफगानों ने तालिबान काल के बाद मतदान किया था। चुनाव लंबे समय से अतिदेय है। चुनावी सुधार पर कड़वाहट से जूझ रहे हैं क्योंकि 2014 के राष्ट्रपति चुनाव के दायरे में 3.5 साल से देरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में औसतन 7 अफगान वयस्क और औसतन 2 बच्चे मारे गए थे, जिसमें हर दिन 19 नागरिक घायल हो गए थे। माना जाता है कि लगभग 90% हमले तालिबान द्वारा माना जाता है। अफगानों के लिए इस चुनाव का महत्व क्या है? अधिकांश अफगान बेहतर जीवन, नौकरियां, शिक्षा और तालिबान के साथ युद्ध के अंत के लिए बेताब हैं। देश के विदेशी भागीदारों के लिए एक समृद्ध लोकतंत्र देखना वह वापसी होगी जो वे कई वर्षों के निवेश के बाद मांग रहे हैं। अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं और एक दशक से अधिक समय में हजारों लोग हार गए हैं। 2001 में तालिबान को हटा दिए जाने के बाद ये तीसरा संसदीय चुनाव होगा। अफगान चुनाव के नतीजे भारत के लिए सबसे ज्यादा क्यों मायने रखते हैं? भारत ने पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं के लिए $2 बिलियन की सहायता प्रदान की है, जो पिछले साल $1 बिलियन थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशिया रणनीति का अनावरण करने के बाद इसकी घोषणा की। भारत तालिबान से निपटने में अमेरिका, रूस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मतभेद है ने तालिबान से निपटने पर गनी के नेतृत्व में अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का समर्थन किया है। लेकिन यदि चुनाव परिणाम तालिबान के साथ संरेखित करने के लिए तैयार बलों का पक्ष लेता है तो नई दिल्ली की योजनाओं को झटका लग सकता है। तो अमेरिकी दबाव के बावजूद ये सावधान रहा है। आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि ये चुनाव के नतीजों की प्रतीक्षा करता है, भारत के पास सुरक्षा चुनौतियों और खतरों के मुकाबले देश की मदद करने का अपना काम है और नई दिल्ली को शीर्ष 3 राजनयिकों द्वारा वर्णित सभी 3 प्रकार की भावनाओं का अनुभव करना पड़ सकता है, आशावाद, निराशा और प्रेरणा।